हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं मेरा एक दोस्त के फार्म में आया हूँ जो अंडे देने वाले मुर्गियों का फार्म बनाया है। छोटा सा एक सेटअप बनाया है, देख सकते हैं सामने। आपने देखा होगा मेरे घर में ये मुर्गियाँ जो सोनाली मुर्गियाँ हैं, ये धान है और ये एक पानी की जगह दिया है। इसका साइज देख सकते हैं, आज 5.5 महीना हुआ है इसका उम्र और ये अंडे दे रही है। तो इसका जो मेल है वो 2 से 2.5 किलो का होता है और जो फीमेल है वो 1 से 1.5 किलो तक होता है। सामने आप देख सकते हैं कितना अच्छा साइज है और इसका जो पड़ है वो कितना ग्लेजी है, बहुत ही खूबसूरत ये मुर्गियाँ हैं। ये एक मुर्गी है, देखिए इसका साइज कितना अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है। और मेरे दोस्त ने जो फार्म बनाया है वो थोड़ी सी जगह पे बहुत ही कम खर्चों से बनाया है, बांस से बनाया है। दोनों तरफ इसका दीवार है कंक्रीट का और दोनों साइड बांस से और नेट से बनाया है। 2 शेड बनाए हैं अंदर ताकि मुर्गियाँ बैठ सके। नीचे एक शेड आप देख सकते हैं बांस से बनाया है, ऊपर भी एक शेड ये है ताकि थोड़ी जगह बन सके, स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो ताकि मुर्गी आराम से घूम फिर सके। ये नीचे क्रेट दिया हुआ है ताकि उसमें अंडे दे, अंडे देने के लिए। ये देखिए ऊपर टीन दिया हुआ है और नीचे एक लेयर है और मिडिल में एक लेयर है। मुर्गियाँ सारे बैठे हुए हैं ऊपर और कुछ नीचे है और कुछ ग्राउंड में है, घूम रहे हैं। तो ये 5.5 महीने का हुआ है और ये अंडा दे रहा है। अब 100 मुर्गियाँ है और 18 से 20 मुर्गा है जो फीमेल होता है। तो रोज ये 50 से 60 अंडे देता है और इसका जो दाना है वो है धान है। ये देखिए ये बहुत ही भारी है, ये 1.5 किलो का होगा। साइज में भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं कितना हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो दोस्त है वो अच्छी तरह से मेंटेन करता है, प्रॉपर मेडिसिन का यूज़ करता है, अच्छी तरह से केयर करता है। और ये है मेल जिसका वजन है करीब करीब 2.5 किलो हो जाएगा। ये पैर नाखून आप देखिए कितना अच्छा है, फ्रेश है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पड़ों में साइन है, देखिए जब ये 5 महीने का हो जाता है, 5 महीने के ऊपर, तो ये पूरा इसका जो पड़ का साइन है वो बाहर निकल जाता है, जो ग्लेज है दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत मुर्गिया है। देखिए चारों तरफ कैसे आसानी से आराम से घूम रहा है, दो लेयर बना हुआ है और उधर कुछ पेट रखा हुआ है जिसके बाद के अंडा देता है।